वेरी गुड। सब लोग आराम से बैठ जाए। आज दशहरे का मेडिटेशन है। हमारे अंदर जो युद्ध चल रहा है उसमें विजय पाने के लिए, उस पर सुविजय पाने के लिए हम ये मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि विजय प्राप्त करने के लिए मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। और मन स्थिर करने के लिए सबसे पहले आपको सांसों पर भी ध्यान केंद्रित करना, सांसों को स्थिर करना बहुत जरूरी है। तो आज के इस मेडिटेशन में हम थोड़ा सा सांस का भी एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद मेडिटेशन होगा। सब लोग अभी आंखें बंद कर लें, पूरे शरीर को रिलैक्स कर दे। जिन्हें पॉसिबल है पीठ को सपोर्ट लेकर बैठे। हाथों को अपने थाइस पर रखे आराम की स्थिति में, चाहे ब्रह्म मुद्रा हो चाहे ऐसे ही हाथ रखे तो भी चलेगा। पांच या छह आरामदायी सांसें, सांसें लेते हुए और छोड़ते हुए बंद आंखों से कॉलर बोन्स की तरफ देखते रहें। रिलैक्स योर नेक नाउ। गर्दन को रिलैक्स करने के लिए सांस लेते हुए मन को केंद्रित करें गर्दन पर, और सांस छोड़ते हुए मन को केंद्रित करें अपने नाक के बाजुओं पर। वाइल इनहेलिंग कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ओवर द नेक, वाइल एक्सहेलिंग ओवर द साइड्स ऑफ योर नोज। उसी प्रकार अपने सर को रिलैक्स करें। सर को रिलैक्स करने के लिए सांस लेते हुए मन को केंद्रित करें अपने सर पर, और सांस छोड़ते हुए मन को केंद्रित करें अपने नाक के बाजुओं पर। उसी प्रकार अपने सर को, सॉरी, उसी प्रकार अपने चेहरे को और आंखों को रिलैक्स करें। सांस लेते हुए मन को केंद्रित करें अपनी आंखों पर, सांस छोड़ते हुए नाक के बाजुओं पर। सांसें बिल्कुल आरामदायी रखनी है। नो डीप ब्रीदिंग, नो ब्रेथ होल्डिंग। कभी भी ऐसा लगे सांस लेने में थकान सी हो रही है तो आराम से चार पांच सांसें लें।
अब हम आंखों को रिलैक्स करेंगे। उसके लिए पहले सुने, उसके बाद करें। मेरे सूचनाएं सुने, उसके बाद उन्हें फॉलो करें। कुछ क्षण के लिए आंखें खोल लें। सिर्फ अपर आईलिड बंद करके आंखें बंद करें और उसके बाद कल्पना करें कि आप राइट आंख से राइट कान की तरफ देख रहे हैं और लेफ्ट आंख से लेफ्ट कान की तरफ देख रहे हैं। एंड यू विल फील द आईज रिलैक्सिंग। ओके, नाउ ओपन योर आईज ओनली फॉर अ मोमेंट बाय मूविंग ओनली द अपर आईलिड्स। क्लोज योर आईज। अब कल्पना करें आप अपने राइट आंख से राइट कान की तरफ देख रहे हैं, लेफ्ट कान आंख से लेफ्ट कान की तरफ देख रहे हैं। एंड फील योर आईज गेटिंग रिलैक्स्ड कंप्लीटली। वेरी गुड। अभी अपने फोरहेड के मसल्स को रिलैक्स करें, मतलब पूरा आपका जो माथा है उसे रिलैक्स कर दे। जस्ट रिलैक्स द मसल्स ऑफ योर फोरहेड। अभी अपने नाक के मसल्स को रिलैक्स करें, बिल्कुल ढीला छोड़ दे नाक के मसल्स को। अभी अपने कानों को रिलैक्स करें, कान के मसल्स को रिलैक्स कर दे, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। अब मन को केंद्रित करें अपने नाक पर। और सांस के प्रवाह के बारे में सतर्क हो जाए, अर्थात सांस लेते हुए नाक द्वारा सांस शरीर में प्रवेश कर रही है, सांस छोड़ते हुए नाक द्वारा सांस शरीर का त्याग कर रही है। सिर्फ इसके बारे में सतर्क हो जाए, जागृत हो जाए। आपकी आंखें रिलैक्स्ड है। रिलैक्स्ड आंखों से नीचे अपने कॉलर बोन्स की तरफ या हृदय की तरफ देखते रहे। सांस के प्रवाह के बारे में जागृति रखे। बीच में कभी भी थकान सी लगे तो 4 या 5 आरामदायी सांस ले और वापस सांस के बारे में सतर्क होना शुरू कर दें। अब धीरे धीरे इसके बारे में सतर्क हो जाए कि आपके शरीर में जो सांस प्रवेश कर रही है वो सांस आपके नाक को स्पर्श नहीं कर रही है,
वेरी गुड, सांसें आरामदायी रखे, बीच में कभी भी लगे 3-4 आरामदायी सांसें ले। अब धीरे धीरे इसके बारे में सतर्क हो जाए कि जो सांस आप ले रहे हैं वो सांस नहीं है, एयर नहीं है, वो वाइब्रेशंस है, लहरें हैं जो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके शरीर का त्याग भी कर रही है। वेरी गुड, मन को केंद्रित करें दो भुवाओं के बीच। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड एट द पॉइंट बिटवीन योर आईब्रोज। कल्पना करें आप वहां से सांसें ले रहे हो और सांसें ये वाइब्रेशंस है जो आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं आपके फोरहेड से। सो फील द वाइब्रेशंस फ्लोइंग इन योर बॉडी फ्रॉम योर फोरहेड। धीरे धीरे ये वाइब्रेशंस जो आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं वो आपके लंग्स तक पहुंच रहे हैं, आपके फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं, उसके बारे में जागरूक हो जाए। नाउ फील द वाइब्रेशंस फ्लोइंग इन योर एंटायर बॉडी। पूरे शरीर में वाइब्रेशंस प्रवाहित हो रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दे, उसके बारे में जागरूक हो जाए। शरीर के हर सेल में वाइब्रेशंस प्रवाहित हो रहे हैं, आपके सर में, चेहरे में, आपके हाथों में, आपके नाभि में, पूरे स्पाइन में, आपके पैरों के सोल्स में, पैरों के तलवों में वाइब्रेशंस प्रवाहित हो रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दें। आपकी आंखें बंद है, बंद आंखों से कॉलर बोन्स की तरफ देखते रहे, सांसें आरामदायी रखें और पूरे शरीर में
जो वाइब्रेशंस प्रवाहित हो रहे हैं, जो लहरें प्रवाहित हो रही हैं, उसके बारे में जागरूकता कायम रखे। वेरी गुड। नाउ फील द वाइब्रेशंस जो आपके शरीर में लहरें प्रवाहित हो रही हैं, वो आप जिस रूम में बैठे हो वहां के वाइब्रेशंस के साथ, अवकाश के साथ एकरूप हो रहे हैं, उसके बारे में जागरूक हो जाए। धीरे धीरे वाइब्रेशंस या एनर्जी पूरे ब्रह्मांड के साथ एकरूप हो रही है, उसके बारे में जागृत हो जाए। वापस एक बार अपने सांस की तरफ ध्यान दें। सांसें आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं, आपके फोरहेड से, उसके बारे में जागरूक रहें। और आप सांस छोड़ रहे हो नाक से। धीरे धीरे आपके मन को भी रिलैक्स करें, मतलब जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं या प्रवाहित हो रहे हैं उन्हें ओके कहें, चाहे वो विचार प्लेजेंट हो, डिस्टर्बिंग हो या न्यूट्रल हो। जैसे ओके। अब धीरे धीरे वाइब्रेशंस आपके रिलैक्स्ड मन में प्रवाहित हो रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दे, उसके बारे में जागरूक हो जाए।
सांसें बिल्कुल आरामदायी रखें। वेरी गुड। अब रिलैक्स मन से इसके बारे में जागृत हो जाए कि मैं चैतन्य हूं और अभी जो अनुभव आपको आया है उसके बारे में सतर्क रहते हुए कहें, मैं इस ब्रह्म चैतन्य का हिस्सा हूँ, इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। अब इसी सतर्कता से खुद के आइडेंटिटी के बारे में सतर्क रहते हुए मन में कहें या इसके बारे में जागृत हो जाए, जो कर्म मैं कर रही हूं उसके लिए मैं केवल निमित्त हूँ, मीडियम हूँ, ये मैं जानती हूँ। और ये जानने के लिए ब्रह्मांड की कृपा आवश्यक है। इसके बारे में मैं जागृत हूं। अब उन व्यक्तियों को आपके सामने लाएं या फिर उनके बारे में सोचें जिनके पास आपको डिस्टर्ब करने की शक्ति है, चाहे उनके एक्शन से हो, चाहे उनके फिजिकल प्रेजेंस से हो, शब्दों से हो। अब मन में सतर्कता से कहें, मैं जानती हूं ये व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है उसके इस स्वभाव के साथ, नेचर के साथ मैं उसका स्वीकार करती हूं।
वेरी गुड। अब हाथों को नमस्कार की स्थिति में रखें अपने सीने के पास। हम प्रार्थना बोलेंगे। असतो वा सद्गमय तमसो वा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। शांति 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 ही। अब बंद आंखों से अपने मिडिल फिंगर्स के टिप्स को देखें। उन्हें देखते हुए आराम से, धीरे से और प्रसन्नता से आंखें खोलें। थैंक यू। सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः एक बार थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका। अच्छी थैंक यू। थैंक शुरुआत, दसरे की शुरुआत अच्छी तरह से कर दी आपने। धन्यवाद धन्यवाद। यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ कहना है एक्सपीरियंस के बारे में तो यहाँ पर कहें, या फिर ग्रुप में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को। कुछ पूछना तो पूछे। ध्यान में तो आज ऐसा लगा जी, हाथ तो ऐसे जो ध्यान मुद्रा में बैठे थे तो मुझे तो ऐसा लगा कि हाथ है ही नहीं मेरे। मैं रोजाना करती हूँ ना, इसलिए मुझे काफी प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस अच्छी हो गई मुझे। वो एक बराबर है, रोजाना करते हैं सब लोग अगर, तो जो हाँ एक बैठक जिसे बोलते हैं ना, वो तैयार हो जाती है। वो एक घंटे तक अच्छी बैठ सकते हो, एक घंटे तक। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है हमेशा। यस चलो, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द मेडिटेशन टुडे। यस, यू वांट टू टॉक समथिंग मेघना? ओके नहीं ग्रेट, बोलो क्यों। ओके ओके ग्रेट। चलो, थैंक यू सो मच, और दशहरे की वापस एक बार शुभकामनाएं। लव यू ऑल, बाय। आप हमें गीता पढ़ाओ ना। हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। हमारा अगला जो फेलोशिप ऑफ द फ्लूट शुरू होगा, वो सीरीज में हम गीता के बारे में ही जानने वाले हैं। मतलब गीता का हर अध्याय लेके हम शुरुआत करने वाले हैं। तो वो अगले फेलोशिप ऑफ द फ्लूट की सीरीज गीता की होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वाह रिमाइंडिंग मी। धन्यवाद। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट अध्याय फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद सो मच। धन्यवाद।